بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद तलहा शफीक, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो जनाब, ये वीलॉग मैं बहुत देर से बहुत अरसे से बनाना चाह रहा था लेकिन बना ना सका। मोहम्मद रेज की फर्स्ट बर्थडे का ये वीलॉग है, ये वीडियो है, ये आप लोगों के साथ अपने प्रीशियस मोमेंट शेयर कर रहे हैं। तो होप सो यू विल इंजॉय इट। और बहुत बड़ी गैदरिंग थी फर्स्ट बर्थडे पर, सब फैमिली मेम्बर्स और जितने रिलेटिव हैं सब ने इसको ज्वाइन किया था और अटेंड किया था फंक्शन को। और अपने प्यारे बेटे के लिए तब भी यही दुआ थी और अब भी यही दुआ है कि अल्लाह इसे एक बहुत लंबी सेहत वाली अच्छी ज़िंदगी अता करे और इसकी ज़िंदगी में सब खुशियां हों और जो ये चाहे वो इसे मिले और अल्लाह ताला अपना ख़ास कर्म मेरे बेटे पे करे और इसे एक अच्छा और नेक मुसलमान बनाए और इस्लामी असूलों पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। आमीन। ये मोहम्मद रेज़ की अपनी परनानी के साथ, मतलब मेरी नानी अम्मा के साथ एक बहुत यादगार पिक्चर। नानी अम्मा तो अनफॉर्चुनेटली फौत हो गई थी, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करे, उनकी मगफरत फरमाए, आमीन। अच्छा, इस वीलॉग में फैमिली के साथ पिक्चर्स या वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस चीज़ पर बिलीव रखता हूँ कि फैमिली को ऐसे सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना चाहिए। बाकी जो मेरे साथ मोमेंट्स मोहम्मद रेज़ ने गुजारे या उसके कज़न्स के साथ या जो कि कुछ फैमिली के मेंबर्स जिन्हें दिखाया जा सकता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मोहम्मद रेज़ के फेवरेट कोकोमेलन के थीम पे हमने ये सारा जो है पार्टी को अरेंज किया है। तो जनाब, हमारे घर के साथ ही एक प्लेग्राउंड है, वहाँ पे सब अरेंजमेंट किया था। और ये देखें, एक मोहम्मद रेज़ का सब मंथ्स का एक बनाया था बैनर, उस पर सारे महीने थे कि हर महीने में ली गई कुछ पिक्चर्स थी। और ये जनाब, इस तरह हमने टेबल अरेंज किया था और ये सारा ख़ुद बनाया था। ये जो वन लिखा हुआ आ रहा है, ये जो जितने भी कार्ड्स हैं, ये सब ख़ुद बनाए थे। और ये जनाब, एक हमने अरेंजमेंट की थी और टेबल की, और ये सारा जो डेकोरेट है मोहम्मद रेज़ की मामा ने किया है, सब मिसेस तलहा की डेकोरेशन है ये सब। और देखिए कितना प्यारा खूबसूरत डेकोरेट किया गया, बाकी लाइटनिंग का भी अच्छा इंतज़ाम किया था। तो जनाब, यहाँ से व्लॉग को करते हैं स्टार्ट और इसके कुछ मोमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। ये जो मैं बता रहा था बैनर है सारा, उस पर 11 मंथ तक जितनी भी पिक्चर्स हैं वो सब मोहम्मद रेज़ की, उनको इकट्ठे करके उसका बनाया गया बैनर। तो जनाब, सब मेहमान आना शुरू हो गए थे तो इस बर्थडे पार्टी को करते हैं स्टार्ट। और केक जो है वो हमने अलफरीद से किया था ऑर्डर और उनसे बनवाया था और बड़ा अच्छा टेस्टी केक था। तो आपके साथ वो भी ज़रा शेयर करते हैं। बाकी स्वीट में आइसक्रीम थी और खाने का प्रॉपर अरेंजमेंट था। खाने में सब चीज़ें थी, मटन था, राइस थे और काफ़ी टेस्टी खाना था। तो जनाब, ये सारा आपको बर्थडे का भी वो दिखा रहे हैं, ये टेबल अरेंजमेंट्स जो की थी और ये सारी अरेंजमेंट्स बर्थडे पार्टी की, वो आपको पूरा ओवरव्यू दे रहे हैं एक।
तो जनाब सी यू इन व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड टिल देन. आई होप सो यू विल एंजॉय इट. ये जनाब मैरून शर्ट में मोहम्मद जुरेज़ का कज़न है स्वैद, और ये जनाब मोहम्मद जुरेज़ के मामू ज़ीशान और उनका बेटा रियान, और ये जनाब मोहम्मद जुरेज़ के चाचू मोहम्मद अब्दुल्ला शफीक. देखें जी उसके साथ इंजॉय कर रहे हैं. और ये देखें जी मोहम्मद जुरेज़, और इसकी ये जो टी शर्ट है ये भी हमने बनवाई थी यहाँ पे, कैपिचर है, कैपिचर साहिवाल उनसे डिज़ाइन करवाई थी फर्स्ट बर्थडे के लिए कोको मेलन के थीम में. और ये जनाब मोहम्मद जुरेज़ के जो कज़न हैं रियान, वो भी अपनी मस्ती में इंजॉय करते फिर रहे हैं, और ये बहुत अच्छे शॉट्स हैं बबल्स के साथ. तो मोहम्मद जुरेज़ को शुरू से ही गाड़ियों का शौक है जी, शुरू से ही, और अभी तक वो शौक वैसे ही है. जब भी उसने कोई खिलौना लेना है, टॉय लेना, उसने कहना जी मुझे कार चाहिए, और उस वक्त भी देखें वो कार में बैठा हुआ है. तो शुरू से ही कार का शौक है. तो यहाँ पे ये बड़े अच्छे मोमेंट्स हैं कि ये बबल को कैच करने की कोशिश कर रहा है. और ये देखें ये क्या कितना प्यारा मेरा खूबसूरत बेटा अपने मोमेंट्स को एंजॉय कर रहा है. होप सो किसी टाइम वो इस बर्थडे वीडियो को देखेगा, और ये देखेगा कि कैसे उसकी सेलिब्रेशन जो खुशियाँ हैं वो सब ने बांट के इंजॉय की हैं, सब ने उसकी खुशियों में उसकी शरीक हुए हैं सब. तो ये जनाब कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं. और ये मोहम्मद जुरेज़ के दादा अबू उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं जी, और ये रियान उसके साथ खेल रहा है मोहम्मद जुरेज़ के साथ. इन दोनों की भी अच्छी दोस्ती है जी, एक दूसरे के साथ लड़ाई भी कर लेते हैं, हंस भी लेते हैं, खेल भी लेते हैं. और ये देखें मोहम्मद जुरेज़ रोने की भी पोजीशन में थे. तो जनाब ये सारा देख रहे हैं उसके दादा अबू अरेंजमेंट्स वगैरह को, और मोहम्मद जुरेज़ का साथ साथ फ़ोटोशूट चल रहा है, क्योंकि भाई हमारा पार्टी बॉय तो यही है ना, तो इसी पे फोकस है पूरी पार्टी में, क्या उसके मोमेंट्स हैं और क्या ये चीज़ें हमने कैप्चर करनी थी सब. यही चीज़ें यादगार होती हैं, यही बाद में आप इन मोमेंट्स को देख के, क्योंकि बच्चे तो वक्त के साथ साथ बड़े हो जाते हैं, उनकी यही यादें उनके अच्छे मोमेंट्स हमेशा के लिए कैप्चर हो जाते हैं. तो आप देखते हैं कैसे ये कभी छोटे से बच्चे थे और कैसे ये बड़े होते गए वक्त के साथ साथ. और ये जनाब वो केक है, कोकोमेलन थीम में ही दोनों बनवाए थे हमने. ये फाउंटेन केक है, और वो दूसरा जो केक है वो हनी कुल्फा फ्लेवर था शायद. तो ये हमने बनवाए थे अलफरीद बेकरी से. अलफरीद बेकरी है रेलवे रोड पे बिल्कुल डाकखाने के सामने यादगार के पास. तो ये बहुत अच्छी बेकरी है, बहुत अच्छे इनके केक थे, और बड़ा टेस्ट था इनका ज़बरदस्त. तो जनाब ये बड़े एक ना अच्छे डिज़ाइन में एज़ पर पार्टी थीम आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं. बल्कि सेकंड बर्थडे पे भी मैंने इनसे ही ऑर्डर किया था, इनके केक इतने अच्छे लगे थे, इतना अच्छा टेस्ट हमें लगा था. तो ये केक की पिक्चर्स हैं कुछ. और जनाब ये वो मोमेंट्स हैं जब जुरेज़ का जो है वो केक जो है कट रहा है, तो केक कटिंग मोमेंट्स. और जुरेज़ साहब ये लाइट देख के डर गए होंगे, ये जो लाइट निकली है वो देखें अपने पापा के साथ ही लग रहे हैं बार बार डर के. तो ये जनाब बर्थडे की जो केक कटिंग सेरेमनी है वो है. इसको करने के बाद केक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सब में, और उसके बाद खाने का जो इंतज़ाम किया था वो ओपन किया जाएगा सबके लिए. ये जनाब हमारे नेबर्स के बच्चे थे और साथ स्वैद था. तो ये जनाब यहाँ पे केक जो है वो कट चुका है, और अब मैंने फिर सब में डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये केक खा के सब ने कहा कि बहुत टेस्टी है.
और जितना मुझे याद है शायद ये हनी कुल्फ़ा और साथ इसके चॉकलेट का फ्लेवर शायद मिक्स था, मतलब तो काफ़ी अच्छा टेस्टी केक था। तो जनाब ये खाने का जो अरेंजमेंट किया था ओपन हो चुका है जनाब। इसमें वैसे जो मैंने आपको बताया था कि बिरयानी है, मटन है और साथ पराठे थे और नान, रोटी, हर चीज़ जो चीज़ जिसको पसंद हो उसके लिए थी। और ये जनाब मोहम्मद रेज़ अपने नाना अबू के साथ। और ये जो आपको बैनर बताया था, ये मैंने उसे कहा था क्लोज़अप लो यार उसका सारा, ये मंथ्स दिखाओ, ये देखें फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब उन महीनों में ली गई पिक्चर्स हैं जो कि फिर जिनका ये बैनर छपा। और ये जनाब मोहम्मद रेज़ का फ़ोटोशूट मेरे साथ। अच्छा, ये सब बर्थडे से पहले भी हमने एक प्री शूट किया था, प्री बर्थडे शूट, उसकी पिक्चर्स भी मैंने एंड में शेयर की हैं आप लोगों के साथ, तो वो भी आप लोग देखिएगा कि बर्थडे से पहले एक इसी तरह इसी थीम में हम लोगों ने एक मोहम्मद रेज़ का शूट किया था केक के साथ, और वो भी बहुत खूबसूरत और अच्छी पिक्चर्स आई थी। तो मिसेस दल्हा कहती थी जनाब ये शूट लाजमी करना है, बस मुझे ये शौक है, ये अच्छा लगता है कि ये शूट होना चाहिए बच्चे का, एक यादगार रहेगा। तो मैंने कहा ओके है। बाकी ये जनाब अपने मामू जीशान के साथ मोहम्मद रेज़ साहब इंजॉय कर रहे हैं। और ये जनाब अब आपको दिखाते हैं कि मोहम्मद रेज़ को जो गिफ्ट मिले वो कौन कौन से थे। तो एक तो ये कार जो कि अभी मोहम्मद रेज़ की फेवरेट तीन कार है, और इस कार पे मोहम्मद रेज़ कर रहे हैं एंजॉय। इसके बाद काफ़ी गिफ्ट लोगों ने दिए थे, और जिन्होंने गिफ्ट दिए उन सब का भी थैंक यू, और जिन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे बच्चे की खुशियाँ हमारे साथ शेयर की, बांटी। और ये जनाब सब गिफ्ट हैं जो मोहम्मद रेज़ को मिले थे अनपैकिंग होने के बाद। देखे माशाल्लाह बहुत अच्छे गिफ्ट मोहम्मद रेज़ को मिले और इसकी बर्थडे को और यादगार बनाया इन गिफ्ट्स की वजह से। तो ये जनाब वो प्री शूट है, बर्थडे शूट जो आप लोगों को मैं बता रहा था। ये देखें कितने खूबसूरत मोमेंट्स हैं, तो ये आप लोग एंजॉय करें। और अब ये बर्थडे से बर्थडे पार्टी की कुछ पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो होप सो आप लोगों ने ये वीलॉग एंजॉय किया होगा। आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मिलेंगे, और ये आप पिक्चर्स एंड तक देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।
जनाब ये था मोहम्मद रेज़ के फर्स्ट बर्थडे पार्टी का वीलॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।